learners, this is Amit Kaur, your chemistry instructor. So today I'm going to teach you a very important chapter from your class 10 science, that is heredity and evolution. So in this particular chapter, we'll be learning about some of the important terms related to heredity, variations, like in the last chapter, in the chapter number 8, we have learned about variations which come from parents to the offsprings, right? Some of the changes that comes in that. So in this particular chapter, we'll be learning about the basic reasons or the important facts behind that. So let's start with the chapter. Starting with the chapter, the very first term we have is this heredity. So heredity, what does heredity means? The transfer of characters or traits from parents to their offsprings is called as heredity. Jab koi bhi characters parents se unke offspring mein transfer ho jate hain, that are called as, that particular term is known as heredity. नेक्स्ट इज वेरिएशंस. वेरिएशंस क्या होती हैं? अगर हम जनरल टर्म्स में भी बात करें तो वी से देयर आर सम वेरिएशंस इन दिस. वेरिएशन मींस कुछ ऐसे डिफरेंसेस होने किसी सेम स्पीसीज के अंदर, राइट? सो वेरिएशन हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द करेक्टर और ट्रेट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड एज वेरिएशंस. इसमें जो है सेम स्पीसीज में डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. Okay, so moving further, we have accumulation of variation during reproduction. So reproduction mein aise kya changes hote hain, aise kya variations hoti hain jiski wajah se there are some variations in the offsprings. When organism reproduce, the offspring show minor variation due to inaccuracies in DNA copying. So we have learned that whenever there is DNA copying, जब organisms reproduce करते हैं, there is a process which is called as DNA copying, जिसमें parents का जो DNA है, that gets copied into the offspring. और उसमें कुछ inaccuracies रह जाती हैं, जिसकी वजह से variations के chances होते हैं. These variations are less in asexual reproduction, because जो asexual reproduction है, as we have learned, उसमें एक single parent involved होता है, so there are less chances, or we can say very minute chances that any variation can happen there. Otherwise, more chances of variations are in sexual reproduction. Some variations are useful variations and they help the organism to adjust the changes. Okay, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे variations होते हैं, कुछ ऐसे changes होते हैं जो organism को help करते हैं किसी भी changing environment में adjust करने के लिए, right? अभी इसके कुछ examples आप ये देखेंगे, like कुछ ऐसा होता है कि देयर आर सम ऑर्गेनिज्म जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी सरवाइव करते हैं, एंड देयर आर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो माइनस में टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव करते हैं, राइट? तो उनमें कितनी ज्यादा वेरिएशन है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जो कोल्ड रीजन के ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम हॉट रीजन में रखें और जो हॉट रीजन के हैं उन्हें कोल्ड रीजन में रखें. दे विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट मच इजीली, राइट? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक ऐसे वे में वेरिएशंस अपने में लाई हैं, अपने में ऐसे कुछ चेंजेस लाए हैं एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, तो वो जो है वो अब इनबिल्ट हो चुके हैं उनमें, राइट? सो सेम वे में हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, दैट आर अकरिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट. कुछ चेंजेस ऐसे भी होती हैं जो ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने में हेल्प नहीं करते, एडजस्ट नहीं होने देते हैं, एंड दे मे डाई. वहां पर क्या होता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं इन दैट केस. सो नेक्स्ट वी हैव सो रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर. कि जो करेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं उनके कुछ रूल्स होंगे. करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द जीन्स प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल. तो हमारे पास जो डीएनए मॉलिक्यूल होती हैं उसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले वी हैव दिस सेल,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सेल। सेल के अंदर हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर वी हैव हियर इज डीएनए, एंड डीएनए के ऊपर हमारे होते हैं जीन्स। ओके, द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू चाइल्ड। अभी जो मदर है एंड जो फादर है वो इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल चाइल्ड को देते हैं, राइट, कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ईच ट्रेट देयर हैज टू फैक्टर, फ्रॉम वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। तो हमारे पास एक बहुत फेमस ये साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम मेंडल भी बोलते हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे विद द गार्डन पी प्लांट्स एंड डिटरमाइन द रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मदर एंड फादर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कि फादर की आइज का कलर ब्लैक है, राइट, एंड मदर की आइज का कलर जो है ग्रे है। अभी इन दोनों में से जो भी कलर है वो डोमिनेंट होगा, दैट विल बी द कलर ऑफ द बेबी। ओके, डोमिनेंट मीन्स जो डोमिनेट कर रहा है, जो उसमें मोर सुपीरियर, वी कैन से जो ज्यादा सुपीरियर करेक्टर होगा वही जो है विल बी द कलर, आई आई कलर ऑफ द न्यू बॉर्न। सो नेक्स्ट वी हैव व्हेन प्लांट्स हैव वन पेयर ऑफ करेक्टर्स एंड वाज क्रॉस्ड। इसमें क्या है, उसमें सिर्फ हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा ना कि मेंडल ने कुछ पेयरिंग करके क्रॉस किया था। क्रॉस किया था मींस उनकी क्रॉस में, क्रॉस किया मतलब रॉन्ग नहीं कर दिया था उस चीज को, क्रॉस किया मतलब क्रॉसिंग करवाई थी कुछ डिफरेंट स्पीसीज लेके। जैसे प्लांट है, प्लांट में कुछ डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर ले उन्होंने और उनके बीच में उनके रिप्रोडक्शन के लिए क्रॉस करवा दिया। ठीक, सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं करवाए, क्रॉस रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ा है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। सो इन दैट केस मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट हैविंग वन पेयर ऑफ करेक्टर। वो करेक्टर कौन सा था कि हमारे पास जो कुछ पी प्लांट थे वो टॉल थे एंड कुछ जो पी प्लांट थे दे वर शॉर्ट इन साइज। सो ही सिलेक्टेड प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट पी प्लांट्स एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम। ही ऑब्टेन्ड ऑल टॉल प्लांट्स इन द फर्स्ट जनरेशन एंड व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्लांट्स वर पॉलिनेटेड ही ऑब्टेन्ड टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स इन रेशियो 3:1। ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है ये मैं आपको इसका एक कैसे हुआ ये सब कुछ ये मैं आपको बताऊंगी अभी। We'll do this crossing in our lecture itself. The trait that is expressed in F1 generation is called dominant trait, and the one which is not expressed is called as recessive trait. Okay, तो हमारे पास क्या था, एक प्योर टॉल प्लांट था। सो लेट टी टी बी द प्योर टॉल पी प्लांट एंड स्मॉल टी बी द प्योर स्मॉल प्लांट, राइट, शॉर्ट प्लांट वी कैन सी। तो इसमें उन्होंने क्या किया, कैसे क्रॉसिंग की गई थी। द क्रॉसिंग वॉज डन इन अ वे यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने क्या है, सबसे पहले तो इधर ये है जो हम कर रहे हैं, जो अभी मैं आपको जिसकी क्रॉसिंग दिखा रही हूँ, एक शॉर्ट पी प्लांट एंड टॉल पी प्लांट। तो इसकी जब क्रॉसिंग होगी तो F1 जनरेशन में ऑल ऑफ द, वी कैन से ऑल ऑफ द न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर गोइंग टू बी द टॉल पी प्लांट्स, राइट। बट अगर हम इन्हें क्रॉस करवाएंगे, जब इनकी क्रॉसिंग होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, देन इट विल रिजल्ट इन टॉल एंड स्मॉल प्लांट्स इन 3:1। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हमारे पास कोई भी ट्रेट है उसका सिर्फ एक ही करेक्टर हम लेंगे, दिस विल डोमिनेट टी एंड दिस विल डोमिनेट स्मॉल टी। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो टी है, कैपिटल टी है, जो लॉन्ग पी प्लांट है, टॉल पी प्लांट है, दैट आर डोमिनेंट, राइट। तो यहाँ पर ये जो रिजल्टिंग जनरेशन है ये क्या होने वाली है, टॉल। बट अगर हम सेम वे में
इनके क्रॉस पॉलिनेशन करवा दी। हम दो सेम प्लांट ले रहे हैं, इनके क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट होने वाला है? इसका एक बार कैपिटल टी, इस कैपिटल की टी के साथ में पॉलिनेशन करेगा, कॉम्बिनेशन इनका कैसे बनेगा? ये स्मॉल जो हमारा कैपिटल टी है, अगेन विद द स्मॉल टी, राइट? और जो हमारा नेक्स्ट केस है, इसमें क्या है? स्मॉल टी विल पेयर विद द कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी विल देन पेयर विद द स्मॉल टी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया? जो हमारे पास टॉल है, टॉल के कितने केस हो गए? थ्री, एंड स्मॉल के कितने हो गए? वन। मतलब जो हमारे पास ये जनरेशन थी, लेट इट कॉल एज F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन वाज, उसमें सभी टॉल प्लांट्स थे। बस जो हमारे पास F2 जनरेशन है, उसमें जो टॉल एंड स्मॉल की रेशियो है, दैट इज इन 3:1। इसे करने का एक और क्या मेथड होता है? देखो, व्हाट वी हैव हियर इज, हमारे पास था कुछ ऐसे करेक्टर थे, हम इसे ऐसे बॉक्स में भी कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके, तो इसमें क्या होने वाला है? इधर से भी कैपिटल डी, इधर से भी कैपिटल डी, इधर से कैपिटल डी, ऊपर से स्मॉल डी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास टॉल कितने हैं? 1, 2, 3। तो ये हो गया हमारे पास रेशियो 3:1। ओके, ऐसे ही अगर हम चाहें तो राउंड एंड रिंकल सीड्स का भी कर सकते हैं, राउंड एंड रिंकल सीड्स। अगर हम कोई और करेक्टर इसमें डिस्कस करना चाहें, तो वी कैन हैव राउंड एंड रिंकल सीड। तो राउंड कलेक्ट कर लेते हैं आर, यहाँ पर जो क्रॉसिंग है, यू कैन सी जो हमारे पास आर है उसे हम कैपिटल आर का नेम दे रहे हैं, और जो रिंकल्ड है दैट इज स्मॉल आर, राइट? तो इसमें भी जैसे हमने क्रॉसिंग की, हमारे पास F1 जनरेशन क्या आएगी? आर आर है, तो इधर से एक आर डोनेट करेगा और स्मॉल आर में से एक आर डोनेट करेगा, सो दिस इज आर F1 जनरेशन। और जब यही जो हमारी F1 जनरेशन है क्रॉस पॉलिनेशन करेगी ऐसे ही किसी और के साथ जिसमें आर आर होगा, तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास? थ्री लार्ज, और वी कैन से थ्री राउंड एंड वन रिंकल्ड। तो ये जो है, ये सीड्स हैं जो हमारे पास पीज होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। सेम वे में यहाँ पर कलर के बेसिस के ऊपर भी है, जो भी डोमिनेंट स्पीसीज होगी दैट विल बी एक्सपोज इन F1 जनरेशन, बट इट इज नॉट द केस दैट द रिसेसिव ट्रेट विल नॉट बी एक्सपोज एक्सप्रेस्ड, इट विल बी एक्सप्रेस्ड डेफिनेटली इन द F2 और मे बी इन द F3 जनरेशन। सो ये जो राउंड एंड रिंकल सीड्स का है, यू नीड टू डू दिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, काइंडली नोट इट डाउन एंड ट्राई टू डू दिस वन। ओके, ओके, तो ये हमने जो क्रॉसिंग की है, अभी क्रॉस पॉलिनेशन हमने देखी, चेक की, इट वाज व्हेन दे आर हैविंग ओनली वन करेक्टर। जहाँ तो उनका हमने क्या पढ़ा, उनके टॉल एंड स्मॉल करेक्टर के बारे में पढ़ा, या फिर जो है हमने उनके सीड्स के बारे में पढ़ा, राइट? मतलब हम एक टाइम के ऊपर एक ही करेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बट इन एनी केस, अगर हम दो केस के बारे में डिस्कस करें, राइट, हम उसकी शेप को भी कंसिडर करें एज वेल एज उसके कलर को भी कंसिडर करें। जैसे हमने जो पीस की एग्जाम्पल की थी, तो उसमें हमने क्या किया था? राउंड एंड रिंकल्ड, राइट? ये तो हमने उसका क्या डिस्कस कर लिया? शेप, बट उसका कलर नहीं डिस्कस किया। उसके कलर को डिस्कस करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? येलो एंड ग्रीन, राइट? तो अभी हम पहले हम करते हैं, उसके बाद में विल कम टू द थ्योरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, दैट कंसिस्ट ऑफ राउंड एंड येलो सीड्स, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। और जब F1 जनरेशन है, अभी इसमें से देखो कौन से करेक्टर्स बाहर आने वाले हैं। दीज आर गोइंग टू बी आर, कैपिटल वाई, एंड
एंड फ्रॉम हियर इट विल बी स्मॉल आर स्मॉल वाई. और जब इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. एंड यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो डोमिनेंट करेक्टर है वो क्या है, ग्रीन एंड येलो, सॉरी इट इज राउंड एंड येलो. सो हमारे पास जो F1 जनरेशन है दैट इज गोइंग टू बी राउंड एंड येलो. बट जब हम इनके क्रॉसिंग करवा देंगे मींस इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इससे इसका जो है इसका भी स्ट्रक्चर हम फिर से दोबारा से करेंगे. यू जस्ट नीड टू चेक हियर. यहाँ पर जो है आपको डायग्रामेटिकली शो किया जा रहा है कैसे होने वाला है. सो अगर हम यहाँ पर करना चाहें तो बट वी हैव इज हमारे पास कौन कौन से करेक्टर हैं, वी कैन यहाँ से आप देख सकते हैं. सबसे पहले तो है राउंड कैपिटल आर कैपिटल वाई. ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रॉसिंग, जहां पर हमारे पास जो है दो करेक्टर होने वाले हैं. सो लेट्स सी. हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिससे जो है हमें इजी रहेगा ये सब आइडेंटिफाई कर पाना. राइट. आई एम जस्ट ट्राइंग हियर इन अ रफ वे, बट आपको जब ये पेपर में करना है तो यू नीड टू यूज स्केल एंड ये जो डायग्राम है आप प्रॉपरली बनाओगे. तो ये जो क्रॉसिंग है हमारे पास, ये हम किस किस के बीच में कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही आइडेंटिफाई करना होगा. तो हमारे पास जो बेसिक करेक्टर सबसे पहले थे दे वर राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन. यहाँ पर जो राउंड एंड येलो है ये जो है हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट थे, वेयर एज रिंकल्ड एंड ग्रीन वर द रिसेसिव ट्रेट. तो फर्स्ट टाइम जब इसमें से हमें एक पेयर लेना होगा क्रोमोसोम्स का, ये हमारे पास होंगे राउंड एंड येलो. यहाँ से हमारे पास आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन. और जब हम इनके क्रॉस करवाएंगे, इनके क्रॉस में हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड दिस इज वाई, दिस इज नॉट जी, दिस इज वाई एंड स्मॉल वाई. ये जो है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है दैट इज राउंड एंड येलो. ठीक है. तो जब हम देखो, अब हमारे पास ये जो राउंड है, राउंड एंड येलो है, अगर हम इनमें क्रॉसिंग करवा दें तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास फर्स्ट ट्रेट है जो क्या आएगा, राउंड येलो. इसमें से सेकंड क्या बन सकता है, राउंड ग्रीन. थर्ड सेम वे में क्या बन सकता है हमारे पास, रिंकल्ड येलो. एंड फोर्थ क्या हो सकता है, रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो हम जो क्रॉसिंग है वो भी सेम वे में करवाएंगे. सेम वे में मीन्स हमारे पास सेम यही ट्रेट्स होने वाली है. और हम जो है इसके क्रॉसिंग करवा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई. दोनों ही केस में सेकंड में क्या है हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. सेम वे में हम यहाँ पर भी कर लेंगे. तो ये हमारे पास कैसे आ रहा है देखो, सबसे पहले जो है हम इसके जो ट्रेड्स है वर्टिकल ट्रेड्स देख लेते हैं. जो हमने वर्टिकल कॉलम्स बनाई हैं उसमें से जो भी हमारे पास टर्म है, लाइक यहाँ पर अभी ये टर्म अगर हम कंसिडर करके चले तो इसमें क्या है, हमारे पास कैपिटल है दोनों और ऊपर की जो ट्रेड्स है वो भी कैपिटल है. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. राइट. अगर हम यहाँ से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, राउंड
एंड ग्रीन, और ऊपर से लेंगे तो राउंड एंड येलो, है ना। तो ऐसे हम सेम वे में ये ग्राफ जब टेबल बना लेंगे तो ये टेबल हमारे पास कैसा बनेगा? सो हमारा जो टेबल है, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। टेबल में येलो, इसमें हमारी जो ट्रेड्स हैं उसकी रेशियो क्या होने वाली है? इट इज गोइंग टू बी 9:3:3:1। 9 किसकी है यहाँ पर? राउंड एंड येलो। 3 किसकी है? राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट 3 इज ऑफ रिंकल्ड एंड येलो, एंड लास्ट 1 इज ऑफ, यू रिंकल भी है एंड ग्रीन भी है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने हैं हमारे पास रिंकल्ड एंड ग्रीन, ओनली 1, है ना। इसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा, जो ग्रीन है एंड राउंड है दीज आर 3, एंड जो येलो है एंड रिंकल्ड है दीज आर आल्सो 3, एंड रेस्ट अदर्स आर राउंड एंड येलो। सो दिस वाज अबाउट क्रॉसिंग व्हेन वी आर कंसीडरिंग टू ऑफ द ट्रेड्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड द टोटल क्रोमोसोम्स आर 46। इस 46 में से, और वी कैन से जो 23 पेयर में होते हैं उसमें से 22 पेयर्स आर सिमिलर इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, एंड ओनली 1 एक्स एंड वाई, आइदर एक्स और आइदर वाई जो क्रोमोसोम है, दिस लीड्स टू द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, दैट वेदर द बेबी और वेदर द ह्यूमन बीइंग इज मेल और फीमेल। आउट ऑफ दिस जो हमारे पास 23 पेयर्स के क्रोमोसोम है, आउट ऑफ दिस द सिक्स क्रोमोसोम आर एक्स एंड वाई, एंड फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल्स होती हैं उसमें उनमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख ही पा रहे होंगे, एंड मेल हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। यहाँ पर 1 वाई एंड 1 एक्स क्रोमोसोम इज देयर। So, sperms and eggs have one set of sex chromosomes. Some sperms have X chromosome and some have Y chromosome. And all the eggs have X chromosome. जो eggs होती हैं female, जैसे हमने reproduction में पढ़ा था कि fertilization होती है between the this sperm and the egg. तो जो हमारे पास egg है that is always X containing chromosome. But जो हमारे पास sperm है it can be either X or it can be Y also. एक्स और वाई, राइट। तो इफ अ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द एक्स एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी अ गर्ल, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक्स एक्स की जब क्रॉसिंग हो जाएगी, दिस विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट व्हिच विल डेवलप इनटू अ गर्ल चाइल्ड, एंड द स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस विद एन एक्स एग हैविंग एक्स क्रोमोसोम, द चाइल्ड विल बी अ बॉय, बिकॉज उसमें जो हमारी क्रॉसिंग के बाद रिजल्ट होगा दैट विल बी एक्स वाई, दैट इज गोइंग टू बी मेल। ओके, सो हमारे पास कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती हैं, एंड देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सम वेरिएशन व्हिच डू नॉट हेल्प। तो सम वेरिएशन व्हिच हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लाइक देयर आर सम बेटल्स लिविंग इन ग्रीन बुशेस, दे इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन, और वो जो अपनी पॉपुलेशन है बाय रिप्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। एंड जो क्रोज है दे कैन ईजिली सी रेड बीटल्स, एंड सो दीज आर ईटन बाय क्रोज। अगर वो ग्रीन बुशेस में रह रहे हैं एंड दे आर रेड इन कलर, तो वो ईजिली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं बाय द क्रोज, है ना। तो वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ड्यू टू सम वेरिएशन सम ग्रीन बीटल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो तब क्या हुआ, कुछ ग्रीन बीटल्स प्रोड्यूस हो गए रेड बीटल्स की जगह पर, और
उससे क्या होने लगा कि जो ग्रीन बीटल्स थे वो तो विजिबल नहीं होते थे क्रोज को, बिकॉज ग्रीन कलर के बुशेस में ग्रीन बीटल्स को ढूंढ पाना इज नॉट अ इजी टास्क. तो इससे क्या होने लगा कि जो रेड बीटल्स की पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज करने लगी एंड जो ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज करने लगी. तो इस केस में जो वेरिएशंस है दे हैव हेल्प्ड, उन्होंने हेल्प किया उस पर्टिकुलर स्पीसीज को सर्वाइव करने में. ओके, सो देयर आर सम वेरिएशन व्हिच डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प नहीं करती है सर्वाइव करने में, लाइक ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ कलर वेरिएशन अकर इन रेड बीटल्स एंड सम ब्लू बीटल्स आर प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ रेड बीटल्स. तो क्या हुआ, जैसे ग्रीन कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हो गई थी ड्यू टू सम वेरिएशन, ऐसे ही ब्लू कलर के बीटल्स भी प्रोड्यूस हो गई. तो अभी ब्लू कलर के जो बीटल्स हैं उनके तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि रेड एंड ब्लू दोनों ही कलर जो हैं क्रोज को विजिबल होते थे एंड दे वर इजीली आइडेंटिफाइड बाय द क्रोज एंड ईटन बाय देम. तो इससे क्या होता था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव. तो इस केस में वेरिएशंस हैं जो दे वर नॉट हेल्पफुल इन सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हमारे पास नेक्स्ट है जो अक्वायर्ड ट्रेट्स हैं दैट कैन नॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होती हैं, वो ट्रेट्स जो हम अपने लाइफ टाइम में खुद एक्वायर करते हैं, दैट आर नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स. If the population of beetles increase and plants are affected by disease, अगर population increase कर जाती है beetles की and जो plants हैं उन्हें कुछ disease हो जाती है by any method or any way, then the food available for the beetle decreases and their body weight also decreases. अगर उनका food decrease कर जाएगा तो उनका जो body weight है वो भी decrease करेगा. But after few years जब फूड की अवेलेबिलिटी होगी तो उनका वेट फिर से बढ़ जाएगा. ऐसा नहीं होने वाला है कि जो ट्रेड उन्होंने एक्वायर की है वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करेगी, जैसे कि वो कलर पास ऑन कर रहे हैं. जो कलर है दैट इज जेनेटिक वेरिएशन, वो जीन्स में वेरिएशन हो रही है. बट ये जो वेट है लूज करना या गेन करना, ये जो है हम खुद एक्वायर करते हैं. लाइक ये तो बीटल्स के एग्जाम्पल है. इफ वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं एंड जो उनके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके जो बेबीज हैं दे आर नॉट हेल्दी. तो उस केस में ऐसा नहीं होता कि जो अनहेल्दी हैं वो अनहेल्दी नेक्स्ट बेबीज को बर्थ देंगे और दे विल लीड टू द रिप्रोडक्शन. जब होगी तो उसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं जो और वी कैन से जो चिल्ड्रन हैं दे विल बी सेम लाइक देयर पेरेंट्स. नो, देयर आर गोइंग टू बी वेरिएशंस एंड दोज वेरिएशंस आर ड्यू टू वेरिएशन इन जीन्स. एक्वायर्ड ट्रेट में नहीं होता ऐसे. तो कुछ हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक सम ऑफ द पेरेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट बट उनके बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, है ना. ऐसा कई बार होता है कि पेरेंट्स आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट बट जो उनके बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. तो ये कुछ ट्रेट्स, कुछ करेक्टर जो हम अपने लाइफ टाइम में खुद से एक्वायर करते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं करते हैं, राइट.